हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का थैंक यू है दिल से जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, तो दिल से थैंक यू है सबको। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी स्पेशल होने जा रही है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि सोशल इंश्योरेंस नंबर क्या होता है और हमें उसे कैसे लेना होता है, मतलब हमें कहाँ जाना होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सोशल इंश्योरेंस नंबर किस काम आता है, क्या चीज़ें आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है। इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आता है कि सोशल इंश्योरेंस नंबर होता क्या है। तो सोशल इंश्योरेंस नंबर एक टाइप का नंबर है, जैसे इंडिया में आपको मिलता था पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर होता था इंडिया में। मेरा भी जैसे परमानेंट अकाउंट नंबर था इंडिया में, वैसे यहाँ पे सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है जिसके थ्रू आप काम करते हो। आपका एम्प्लॉयर अगर कोई पे चेक बनाता है वो अपडेट करता है कि हाँ इस बंदे ने इतने घंटे काम किया है, तो सोशल इंश्योरेंस की वजह से ही आप काम कर सकते हो। विदाउट सोशल इंश्योरेंस नंबर आप काम नहीं कर सकते, वो इलीगल माना जाता है कैनेडा में। लीगल काम करने के लिए आपको सोशल इंश्योरेंस नंबर चाहिए होता है। तो सोशल इंश्योरेंस नंबर जो स्टूडेंट्स का होता है वो 9 से शुरू होता है। तो आप कभी भी नोटिस करोगे आपको सोशल इंश्योरेंस नंबर मिलेगा तो 9 से ही शुरू होगा। तो सोशल इंश्योरेंस नंबर ये होता है कि अगर आपको कहीं जॉब करनी है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी सोशल इंश्योरेंस नंबर की। विदाउट सोशल इंश्योरेंस नंबर आप कोई भी एजेंसी में नहीं रजिस्ट्रेशन करा सकते, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी जॉब के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। आपको उसके लिए सोशल इंश्योरेंस नंबर चाहिए होगा ताकि आपका एम्प्लॉयर अपडेट कर दे आपकी डिटेल्स जो है। बैंक में भी आपको सोशल इंश्योरेंस नंबर चाहिए होता है जब आप अपना GIC के लिए अपना अकाउंट खुलवाते हो, वो भी सोशल इंश्योरेंस नंबर मांगते हैं। भले ही वो ऑप्शनल है बट बाद में आपको पे करना ही पड़े, मतलब बाद में आपको सोशल इंश्योरेंस नंबर देना ही पड़ता है। तो ये है सारा सोशल इंश्योरेंस नंबर। सर्विस कैनेडा से, जो सर्विस कैनेडा है वहाँ से आपको मिलेगा आपका SIN नंबर। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सर्विस कैनेडा जब आप पहुँचते हो तब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट होता है पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट मैंडेटरी होता है क्योंकि वो ID का काम करता है, आपकी ID का काम करता है पासपोर्ट, ठीक है। फर्स्ट ये है। सेकंड है, आपको स्टडी परमिट की कॉपी चाहिए, जो आपका स्टडी परमिट है उसकी कॉपी, मतलब स्टडी परमिट जो आपको पेज प्रिंटेड मिला होता है ना, आपको स्टडी परमिट देना होता है और पासपोर्ट देना होता है, ये दो डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं। और SIN नंबर प्लीज़ आप एक बार कन्फर्म करना जब भी सर्विस कैनेडा जाओ, उससे पहले आप कॉल करके जाओ। कई बार सर्विस कैनेडा बंद होता है, उसकी टाइमिंग पता करके जाओ। और सेकंड ये पता करो कि वहाँ पे भीड़, जल्दी जाओ, जैसे सर्विस कैनेडा ओपन होता है जल्दी जाओ, नहीं तो बहुत ही लंबी लाइन में आपको लगना पड़ सकता है। तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि अभी कोविड भी फैला हुआ है, अब सितंबर से शायद फ़्लाइट्स खुल जाएंगी, मेरे हिसाब से खुल जानी चाहिए, अगस्त या सितंबर से फ़्लाइट्स ओपन हो जानी चाहिए। तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहता हूँ, अपना ख्याल रखना, मास्क लगाए रखना कहीं भी जा रहे हो, क्योंकि यार ये अपनी सेफ्टी है, ठीक है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। हमें नहीं पता यार कहाँ पे कोरोना वायरस है कहाँ नहीं है, अगर सेफ भी लगता है तब भी मास्क लगाना बहुत ही मैंडेटरी है, ठीक है। और गलती क्या क्या नहीं करनी है, मैं गलतियों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत सारे बच्चे कर बैठते हैं गलतियों में। सबसे पहली गलती ये करते हैं, वो अपना SIN जो है, सोशल इंश्योरेंस नंबर है, उसमें जो डिटेल्स होती हैं वो क्रॉस चेक नहीं करते। हमेशा जल्दी में नहीं रहना है, जैसे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मिलता है, जब आप एयरपोर्ट पे भी लैंड मतलब कनाडा एयरपोर्ट पे पहुंचते हो, आपको स्टडी परमिट मिलता है, स्टडी परमिट पे भी आप एक एक वर्ड मैच करो, मतलब अपना फुल नेम मैच करो, कोई वर्ड गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, और कुछ नहीं है। तो हमेशा अपना डॉक्यूमेंट, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट मिलता है उसे क्रॉस चेक ज़रूर करो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे बच्चे नहीं करते, वो कहते हैं यार जल्दी से स्टडी परमिट मिले, मैं आऊं कनाडा, बाहर निकलूं एयरपोर्ट के, क्योंकि यार अगर बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की है तो मैंने सोचा आपको ये शेयर कर दूं। हमेशा अपना डॉक्यूमेंट चेक करो, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक करो अपना। सेकंड, अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट चेक कर लिया है, सोशल इंश्योरेंस नंबर सबको नहीं प्रोवाइड करना, सोशल इंश्योरेंस नंबर आपको प्रोवाइड करना है सिर्फ एजेंसीज़ को,
जहाँ एजेंसीज में आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, कभी भी सोशल इंश्योरेंस नंबर ऐसे ही किसी को नहीं दे देना है, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी है, इसके थ्रू लोग फ्रॉड्स भी करते हैं और बहुत चीज़ें बाय कर लेते हैं, इलीगल भी चीज़ें बाय कर लेते हैं, आपका नाम भी आ सकता है, फंस भी सकते हो। और सोशल इंश्योरेंस फ्रॉड कॉल्स भी बहुत सारी आती हैं कि ये है आपकी फाइल निकाल लेता हूँ ये वगैरह। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपसे, ठीक है। तो ये सारा था कि सोशल इंश्योरेंस नंबर होता कहाँ है, मिलता कहाँ से है, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।